झांसी के जीवनसाथ राय पर स्थित फोटोग्राफी की दुकान में तोड़फोड़ कर दी गई। साथ ही दुकान में बैठे लड़के के साथ मारपीट कर हमलावर वहां से भाग गया। मौके पर पहुंची घटना स्थल पर पुलिस ने जांच की तो पाया कि हमलावर अपना मोबाइल घटना स्थल पर ही छोड़ गया है। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के जीवन छात्र राय पर स्थित फोटोग्राफर की दुकान में दिन दहाड़े आधा दर्जन दबंगों ने तोड़फोड़ करते हुए मारपीट कर दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने घटना स्थल से हमलावर द्वारा छोड़ा गया मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिया है। जानकारी के अनुसार बुंदेलखंड फोटोग्राफी एसोसिएशन के मंडल प्रभारी विक्रम गोस्वामी ने बताया कि जीवन छात्र राय पर श्रीकांत की फोटोग्राफी की दुकान है। वह किसी काम से दुकान पर लड़के को छोड़कर गया था, तभी दोपहर को आईटीआई के पास रहने वाले आधा दर्जन युवक आए और दुकान में घुसकर तोड़फोड़ कर लड़के की मारपीट कर दी। उन्होंने बताया कि तोड़फोड़ में दुकान के अंदर रखा कैमरा सहित अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गया और हमलावर गुल्लक में रखे हुए रुपए भी लूट ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिर क्या हुआ? आए मारा पीटा, मुंह बंद करके मारा पीटा, दुकान में थोड़ा बोली कर रहे हैं। हम बताएंगे हम क्या चीज है। थोड़ा बोली पैसा कितने देगा? अभी से 5-6 हज़ार रुपये बोलता है, उठा लेगा 6 हज़ार रुपये। दुकान की चाबी आबी पहनता है महंगा चार डाट सब ले गया उठा। कितने लोग? दो जने। दो लोग क्या काम करते हो तुम? सीसीटीवी लगाओगे? सीसीटीवी फोटोग्राफरी का काम करते? सीसीटीवी लगे नहीं सर। मैं विक्रम गोस्वामी बुंदेलखंड फोटोग्राफर एसोसिएशन का मैं मंडल प्रभारी हूँ। ये श्रीकांत जी हमारे पड़ोसी हैं, हमारे बगल में इनकी दुकान है और हम लोग यहाँ पर दुकान पर थे नहीं। कोई आईटीआई से 2-3 लड़के आए, इनकी दुकान पर पूरी तोड़फोड़ कर गए। इनके लड़का एक लड़का बैठा था, नहीं क्या वो किसी काम से आया था मिक्स वगैरह कराने के लिए, तो उसको मारपीट कर गए। अब इन्होंने अपना सामान वामान देखा तो उसमें कहीं हार्ड डिस्क टूटी पड़ी है, कहीं मॉनिटर टूटा पड़ा है, कहीं कैमरा टूटा पड़ा है, दुनिया का इनका पूरा सिस्टम खराब हो गया। नकदी ये बताया कि 1200-1300 रुपये, 7,800 ऐसी कुछ गिने तो नहीं, लेकिन 1800 के आसपास थे इनके। 1200 लूट के मामले से आए थे क्या? नहीं, लूट के मामले उनके उस लड़के से कोई रंजिश थी या कोई परेशानी थी उससे, तो वो इनके यहाँ काम कराने आया था। लूट के मामले से नहीं आए थे वो, उसके इनके काम उस लड़के से मिलने आए थे वो, या उस लड़के की तलाश थी उनको, तो उन्होंने इसको देख लिया इनकी दुकान पे। इनकी दुकान पे खामोखा मारपीट कर गए और तोड़फोड़ कर गए, दुकान की चाबी आबी तक ले गए वो, तो पेन ड्राइव वेन ड्राइव दुनिया की चीज़ें हैं। पुलिस से शिकायत की, 112 नंबर डायल किया था, पुलिस भी आई है और बता गया कि भाई कार्रवाई करेंगे उचित। झांसी से मोहम्मद सैफ के साथ राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट।